हत्या या फिर आत्महत्या। नमस्कार, खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आपको बता दें, यश और युवराज दो दोस्तों के शव पिछली रविवार को देर रात सूरजकुंड फरीदाबाद रोड पर बने सिद्धार्थ आश्रम के पीछे के जंगलों में मिले थे। दोनों के शव एक ही रस्सी से लटके हुए मिले थे। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जहां पुलिस विभाग द्वारा एक SIT का गठन किया गया है, दूसरी तरफ अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और आज यश गौतम, जो कि युवराज का दोस्त था, जिनकी डेड बॉडी मिली थी, उनमें से एक की शोक सभा थी और इस शोक सभा के बाद यश के पिता ने मीडिया के सामने कुछ बात रखी। आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? यश, आपके कौन? मेरा नाम विकास गौतम है जी। मेरा नाम विकास गौतम है। मैं यश का फादर हूँ। मैं यश का फादर हूँ। मेरा नाम विकास गौतम है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए सर, आपके थोड़ा तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो पुलिस अपनी पूरी निष्पक्ष जांच करे इसमें, क्योंकि डे वन से मुझे बोला जा रहा है कि ये प्राइमा फेसी सुसाइडल है, जो कि मेरे हिसाब से सुसाइडल पुलिस कह रही है। बट एज ए पेरेंट्स होने के नाते मेरे भी कुछ सवाल आते हैं, जैसे कि बच्चा इतनी दूर सुसाइड करने क्यों जाएगा जंगलों में, और दो दोस्तों का माइंडसेट एक जैसा क्यों हो जाएगा, दोनों दोस्त का एक जैसा माइंडसेट। दूसरी बात, वहाँ पर खाने के बहुत सारे कंटेनर मिले थे, तो या तो किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट है इसमें, जो कि पुलिस चाहे तो निष्पक्ष अपने तरीके से खंगाल सकती है। कोई ना कोई तीसरी पार्टी इसमें इन्वॉल्व है, जो मेरा इसमें कहना है। क्योंकि सोसाइटी को सूचना कैसे मिली थी उसकी? हमें तो सूचना नहीं मिली थी, हमें तो बच्चों को फ़ोन किया, बेल जा रही थी, जब बेल नहीं उठी 10-11 बार ट्राई कर लिया, तो फिर 9 बजे करीब हमने डिसाइड किया कि पुलिस से अप्रोच की जाए। क्योंकि हाँ, स्कूटी भी मिली थी, बेटा स्कूटी लेके गया हुआ था। 9 बजे करीब जब पुलिस ने फिर हमें लोकेशन भेजी इसकी, तो पुलिस को पहले से ही लगा था कि ये लोकेशन थोड़ी सी वैसी है, मतलब बिकॉज ये जंगलों की लोकेशन थी। तो 10 बजे करीब हम वहाँ पहुँच गए थे और 12 बजे तक पुलिस ने भी देखा, कुछ नहीं मिला, क्योंकि पुलिस घुस ही नहीं पा रही थी, इतने जंगल थे। बाद में फिर 1 बजे करीब क्राइम ब्रांच वाले CIA वाले आए हैं, उन्होंने बैक साइड से 46 की रोड से कॉम्बिंग करी है जंगलों में। जब 2 बजे करीब जो है डेड बॉडी बरामद की, और बच्चे हवा में कहीं नहीं थे जी, कोई हैंगिंग नहीं थी, गले में रस्सी थी, बच्चे जमीन पर बैठी अवस्था में मिले दोनों। दूसरा वाला बच्चा है, उसके तो चश्मा भी लगा हुआ है। हाँ, यदि मैं कहता हूँ बच्चों ने कर भी लिया, तो सफोकेशन की वजह से चश्मा तो निकलना चाहिए था ना। कोई जीभ बाहर नहीं है, आंखें बाहर नहीं उनकी, कोई बच्चों ने टॉयलेट पास नहीं किया मेरे वाले ने, तो इसमें कोई तीसरे आदमी की इन्वॉल्वमेंट है। या तो वहाँ कुछ और ही बच्चे होंगे, या कोई बड़ा वहाँ होगा जो वो ऐसे इनको सलाह दे के या करवा के भाग गए। क्या कहते गए थे यश आपसे जब निकले थे घर से, तो क्या कहते गए थे? यही बोल के गया था जी कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दो हफ्ते में मिलता था वो अपने दोस्त से। टाइम तो सर वही होगा, 3-4 बजे के बीच का होगा, जो मुझे याद है, जो मुझे लग रहा है। क्योंकि संडे का लास्ट टाइम मेरे छोटे बेटे से बात हुई थी तकरीबन 4:40-4:50 पे, क्योंकि एक फ़ोन, जिस फ़ोन पे मेरे छोटे बेटे ने उसको फ़ोन किया था, तो उसने बोला था मैं किसी मॉल में हूँ, उसने किसी बताया था मैं किसी मॉल में हूँ अपने दोस्त के साथ। वो तो पुलिस अब जांच करेगी तो सामने आएगा कि मॉल में कौन कौन था साथ में उसके, या था या जब या नहीं भी था। आपको लग रहा है कि एक हत्या का मामला है? हाँ जी, मेरे हिसाब से तो ये सालों से जो है दोस्ती इनकी बनी हुई थी, ज़्यादा नहीं थी जी। जब हम 31 सेक्टर में थे तो ये अमीरल्ड में था, ये 2-3 सालों से दोस्ती थी उनकी। 2-3 सालों से? हाँ, 6th या 7th स्टैंडर्ड में वहाँ पर उसने एडमिशन किया था और 10th वहाँ से पास करी, फिर हम इधर शिफ्ट हो गए, तो हमने इसका इधर दाखिला करवा दिया दिल्ली स्कॉलर में, पर वो बच्चा FMS में चला गया था। तो दोस्त तो थे, 2-3 सालों से थे मतलब, और हफ्ते 2 हफ्ते में मिलते भी थे। और दूसरी बात है, दोस्त से मिलने जा रहा है तो अब बच्चा 16 साल का है, तो हमें भी संडे का दिन था, कभी ऐसा लाइफ में कभी सोचा नहीं ऐसा होगा, तो हमने भी जाने दिया, ठीक है। पर जब रात को फ़ोन उन्होंने नहीं उठाए, 8 बजे करीब भी फ़ोन किया उनको, 8:30 बजे भी किया, 9 बजे भी किया, फिर हमने सोचा कि पुलिस की सहायता ली जाए। अभी फिलहाल पुलिस से आप क्या मांग रहे हैं? पुलिस से तो यही मांग है जी, इसमें निष्पक्ष जाँच की जाए। वैसे पुलिस अभी हमें देखा जाए तो सपोर्ट कर रही है, उन्होंने SIT बना दी है, लेकिन इसमें मुझे कल किसी ने बताया भी था कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है कि उसका इन्फ्लुएंसल बहुत इन्फ्लुएंस ज़्यादा है उसमें प्रशासन के ऊपर, तो हो सकता है कि उसके इन्फ्लुएंस के चलते
ये केस सुसाइड में ही दबा दिया जाए। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से भी, थोड़ा सपोर्ट किया जाए और थोड़ा सा पुलिस वालों से ये कि निष्पक्ष जांच की जाए। आप ये कह रहे हैं यश का साफ तौर पर जो है मर्डर करा गया है, जिस तरह से जो उनकी डेड बॉडी बरामद हुई है लगता नहीं कि सुसाइड है। बच्चे बैठे बस्ता मिले हैं, ब्लड के स्टेन्स हैं उनकी टी शर्ट पे। दूसरी बात, हाँ खाना पड़ा था बहुत सारा साइड में, कुछ खाया हुआ कुछ नहीं खाया हुआ, पॉली बैग के अंदर बहुत कुछ रखा था, अब वो तो पता नहीं क्या था। नहीं नहीं वो सब नहीं मिला, दूर कहीं सिगरेट के यूज़ के बड्स मिले थे जो मैंने कहा भी था उठा लो, तो पुलिस ने कहा था कि यहाँ बहुत लोग आते हैं जो ऐसा काम करते हैं तो छोड़ो आप, हो सकता है किसी और के हों, बट प्रेमा फेसी ये ना सोसाइटी है। तो पुलिस तो डे वन से तो उसको वही मान रही है। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है कि ऐसा सोच के केस को मतलब एक तरफा डिसीजन ना लिया जाए, सारे एंगल से इसकी जाँच की जाए। यदि मैं कह रहा हूँ सुसाइड भी है तो मोटिव क्या था बच्चों का, किसी का घर से तो बच्चे दोनों सही ठीक ठाक गए, हंसते हुए गए, तो कोई तीसरी कोई तनाव नहीं था जी। 11th स्टैंडर्ड में तनाव तो होता ही नहीं है, तनाव तो जब अब क्या तनाव था, 10th पास कर ली थी बच्चे ने। तो अभी पुलिस की तरफ से कोई आपके तरफ भी आया है कि किसी कैसे किया गया? पुलिस तो नहीं, कोई फ़ोन नहीं आता, ये तो हम ही फ़ोन करते हैं जी, पुलिस तो कोई फ़ोन नहीं कर रही हमें। मैं इसी भी साहब से मिला था, मैं ही जो 46 के चौकी प्रभारी हैं उनको फ़ोन कर लेता हूँ कभी कभी, पूछ लेता हूँ। जैसे कॉल डिटेल अभी तक नहीं दी गई, मैंने मांगी थी कॉल डिटेल दे दो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने मांगी थी उनसे, उन्होंने कहा था आधा घंटे में दे देंगे, नहीं दी गई। चलो मैं समझ गया वो जांच का मामला है, पर बताया तो जाए कि सही दिशा कुछ तो हिंट दिया जाए। उसके फ़ोन पे किसी का फ़ोन आया था या फिर वैसे ही घर से कुछ बोल के निकला था? घर से बोल कोई लोकेशन उस पर कोई फ़ोन आपको बताया गया कि कुछ भी फ़ोन आया गया या नहीं? यहाँ से तो वो स्कूटी लेके गया, ये नहीं पता साथ गया नहीं गया, पर यहाँ से तो ये बोल गया। आपने जाने की कोशिश की कि किसके कॉल पे घर से निकला था या क्या, ऐसे कुछ जाने की कोशिश की आप? बच्चा अपने रूम में पढ़ाई कर रहा था एक्चुअली, वो यश जो है पढ़ाई में बहुत ठीक था, मतलब अपना अच्छे अंक है, हाँ पढ़ाई करता था अपनी और बड़ा मतलब व्यवस्थित लड़का था, मतलब अपने प्लानर पर काम करता था। तो खाना खाया था उसने, अब उसके बाद ये नहीं पता कि कॉल आई नहीं आई, बट ये बोल के गया मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ युवराज से। और आपको हैंडओवर किया गया या पुलिस के पास? फोन तो पुलिस के पास ही है जी, अभी तक पुलिस के पास। और दो दिन बाद भी मैंने पूछा तो पुलिस ने ये जवाब दिया कि हम भेज रहे हैं, भेजा नहीं भेजा ये तो पुलिस से बताएंगे।